एटम में क्या, इलेक्ट्रॉन हेट्रो है, प्रोटॉन होमो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रो है, और न्यूट्रिनो जो है वो न्यूटो है, जो उसके अंदर आता है जाता है, है ना। इलेक्ट्रॉन इज हेट्रो, प्रोटॉन इज होमो, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रो एंड न्यूट्रिनो इज न्यूटो, जो एटम में रहता है, जो कि जो बाहर भी जा सकता है अंदर भी जा सकता है, मतलब जीरो कैरेक्टर का, जो साइंटिस्ट ने खोज के निकाला। एटम बम जीरो बोल रहे हैं, एटम बम जीरो बोल रहे हैं, एटम बम नहीं, एटम 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 के अंदर में ये जो चार उसके एलिमेंट्स हैं, तो वो चारों जो हैं वो उसका क्या मतलब कैरेक्टर है वो मैंने बताया ट्रावर्जिंग के साथ, जो तमो, हाँ उससे भी ले लीजिए, या ट्रावर्जिंग से कैसे निकला ये आपको पता चला, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे शरीर में भी चारों निकल के, अभी आपको बताया ना, इसमें आ गया निकल के, शरीर का हेड न्यूट्रो हो गया, नेक हो गया न्यूट्रो, चेस्ट हो गया हेट्रो, और पेट हो गया, ये चार हो निकल करके आ गया। अब ये चार जो इनर्जी, चार जो फोर्सेस हैं ट्रावर्जिंग के, ये सभी जगह पर हर एक सेल में है, यहाँ भी है चार, न्यूट्रो हेट्रो होमो और न्यूट्रो, इस तरह से है। ये स्मॉल फिंगर हो गया न्यूटो, रिंग फिंगर हो गया होमो, और मिडिल फिंगर हो गया न्यूट्रो, और फोर्थ फिंगर हो गया हेट्रो। ये जीरो न्यूट्रो हो गया, यहां से सब निकल के आया चार। ठीक है ना। अब सर स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर लिटिल फिंगर ना, न्यूटो न्यूटो, चाय का ब्रेक ले लें, चाय पी लीजिए, सीट पे पी लेंगे, नहीं नहीं मर गए सीट पे, चलो ठीक है बैठे बैठे लो, एनिमल कोरेस्पोंडेंस जो है प्रोफेसर पार्क देव ने देखा, एनिमल कोरेस्पोंडेंस में एनिमल कोरेस्पोंडेंस जो है, जब आप हाथ को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से, तो यिन यांग के थ्योरी के आधार पर आप माउथ के नीचे का भाग जो है वो होमो हो जाता है, ठीक है, घोड़ा जैसा है ये होमो हुआ, और अपर पार्ट हेट्रो हो गया, है ना, या यांग हो गया इधर का और यिन हो गया। जब इस तरह से आप देखते हैं यिन, तो एनिमल का कोरेस्पोंडेंस निकल के आता है, और एनिमल कोरेस्पोंडेंस में ये हेड हो गया,
एनिमल का हेड इस तरह से ऐसे रहता है, ये है। और यहाँ पर हेड हो क्या मतलब ब्रेन हो, ज्वाइंट न्यूट्रल नेचर का, इसलिए भी यहाँ पर ये बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, ये ब्रेन के रूप में ये काम करने लगता है। और ब्रेन ऐसा चीज है कि जितने लोग हैं साइंटिस्ट मेडिकल साइंस वाले, वो कोई आदमी ब्रेन को के फंक्शनिंग को प्रॉपरली कोई पहचान नहीं पाया, किसी भी मेडिकल साइंस में प्रॉपरली कुछ नहीं कर पाया ब्रेन। लेकिन ये ट्रायोर्जिन की वजह से आप उसकी एनर्जी को कंट्रोल करके और उसके ब्रेन के फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकते हैं 100% नहीं तो मतलब अब इस पर अगर वैज्ञानिक लोग इसके होते, इसमें जैसे इंटेलिजेंट जो होगा मेट्रिकुलेशन का टॉपर आईएससी में टॉप कर गया और इंजीनियरिंग में या मेडिकल में टॉप कर गया, वो आकर के जब इसको पढ़ेगा ना तो रिसर्च करके बहुत निकाल देगा। लेकिन हम लोग को जो जो सबसे बेरोजगार जो निकट्टू टाइप आदमी जो रहता है ना, अभी वही लोग ये कुप्रेशर करता है, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिला, सबसे फेलियर स्टूडेंट रहा तो आकर के कर रहा है, तो उसको कहाँ से क्या समझ में आएगा। आप लोगों को मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो मान लिया कि शौकिया कर रहे हैं। और फाइनल सेशन है नहीं ये? फाइनल सेशन है। वही हम भी चाह रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, रिलैक्स भी हो जाए। फाइनल सेशन जो है फ्री माइंड से, अच्छे माइंड के साथ में, बीच में इसको होना चाहिए ना क्या।